बिजनेसमैन अंबानी की तरह बन चुके हैं? क्या सारे इनोवेटर्स स्टीव जॉब्स बन चुके हैं? हर क्षेत्र में कुछ ही लोग ऊंचाइयों को छूते हैं जो सही तरीके से मेहनत करते हैं। फिलहाल तो मेरी बात नहीं समझेगा, अभी अपना काम कर। बस किसी दूसरे को बिना करे ये मत बोलना कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम होती है। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारे कमांडो ट्रेनिंग का 13 डे सक्सेसफुल 12 डे करने के बाद आज 13 में है, और आज 13 जो डे है वो कमाल का हो जाएगा, कमाल का होगा। दोस्तों, आपने जो सोचा है वैसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपने जो सोचा है वैसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आपने सोचा है वो, मगर मैं ऐसा बोलूंगा आपने जो सोचा है उससे भी ज्यादा आपको मिलेगा। आज जोरदार ताली बजे दोस्तों, जोरदार ताली बजे। तो दोस्तों, पहली बात एक है कि आज जो हमारे एक्सपर्ट है रोशनी मैडम है, वो तो इसमें माहिर है इस सब में, मगर एक ध्यान में रखिए, ये सभी को ये पूरा ज्ञान आना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं, नॉलेज हमें चाहिए। मैं स्टार्टिंग में आया तो मुझे भी कुछ मालूम नहीं था, तो मैं कोई क्वेश्चन पूछता था ऑप्शन, तो मैं बोलता था मेरे पास अभी जवाब नहीं है, मैं आपको कल जवाब देता हूं। या तो कभी कभी ना मीटिंग चालू होता है, 8-10 जन बैठे है, सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछा ना, तो उसको मैं बोलता था एक ग्लास पानी मिलेगा। बंदा बोलता था चलो पानी देता हूं, वो पानी लेके आने तक उसका दिमाग में जो क्वेश्चन था वो निकल जाता था। क्या बात है, वाह। तो दोस्तों, मैं ये ट्रिक करता था। दोस्तों, आज का दिन अपने लिए बहुत और बहुत महत्वपूर्ण है, मगर दोस्तों कोई भी हमारा सेशन हम चालू करते हैं, शुरू करते हैं, तो हमारा मोदी करके एंथम से शुरुआत करते हैं। तो पहला एंथम शुरू करते हैं और बाद में सेशन शुरू करते हैं। यस, अरे नए वादे नए इरादे नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ हाँ दिल के साथ। नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के। आशाए बिन बंदिश बिन सीमाए, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद, हम है मोदी के, हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है, हजरत से बढ़कर मोदी के है, बढ़कर मोदी के है, जुनून से बढ़कर मोदी के है, सपनों से बढ़कर मोदी के है, परवानों से बढ़कर मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के। दोस्तों, हम है मोदी केयर,
ये जो हम है मोदी कर जब सॉन्ग लगता है ना तो अपने में जोश आ जाता है, मेरे तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं। यस सर, रोम खड़े होते हैं दोस्तों, क्या सॉन्ग बनाया कंपनी ने। दोस्तों आज के सेशन में आपको क्या मिलेगा मुझे मालूम नहीं, मगर मैं इतना बोल सकता हूँ आपका जो कॉन्फिडेंस है ये कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और ये मोदी के बिजनेस में हमें एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है। हम दुनिया नहीं बदल सकते पर हम खुद को तो बदल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हमें आपको खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आज के हमारे सेलिब्रिटी, आज के हमारे स्पीकर, एक साल पहले मोदी कर में ज्वाइन हुए और सिर्फ और सिर्फ 10 महीने में जो मोदी कर में अपना सपना होता है वो है 1 लाख रुपए परमानेंट इनकम होना चाहिए। वो 1 लाख रुपए परमानेंट इनकम जिन्होंने किया, जो प्लैटिनम डायरेक्टर है उनका नाम है रोशनी अरोरा मैडम। रोशनी मैडम, रोशनी मैडम को मैं वेलकम करता हूँ। वेलकम रोशनी मैडम। वाह, वेलकम वेलकम वेलकम, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, इतना जबरदस्त मतलब स्टार्ट किया, इतना बढ़िया वेलकम, थैंक यू सो मच हरीश सर। एंड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, हाउ वाज द जोश? हाय सर, और जबरदस्त। हाय सर, सुपर सुपर सुपर। और 13वें दिन में 9 बजे टाइगर का आवाज भी आया है, वाह। अमेजिंग, अनबिलीवेबल जो माहौल हमने क्रिएट किया है, मजा आ रहा है, खूब सीख रहे हैं, खूब ग्रो कर रहे हैं। और आज का सेशन, आई होप मेरा एक ही मकसद रहता है मेरे सेशन में कि सीखिए भी और उसके साथ साथ पूरा सेशन इंटरेक्शन रहे और पूरा सेशन आपकी लाइफ का ये 1 घंटा बहुत अच्छा भी थे, ये मेरी इच्छा रहेगी। आप हमेशा खुश हो ये पूरे 1 आवर में, बिकॉज अगर आप खुश रहोगे तो बहुत अच्छा काम भी कर सकोगे। माइंड खुश, इफ यू आर हैप्पी तो यू कैन मेक एवरीबॉडी हैप्पी। ओके, सो जैसे कि हमारा सेशन है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो बहुत मजा आता है मुझे। अब एकदम सर ने जैसे कहा मैडम माहिर हो गए, माहिर तो नहीं बट बहुत मजा आता है क्वेश्चन सुनने में, और ऑब्जेक्शन आते हैं तो आई एंजॉय ऑब्जेक्शंस क्योंकि वही आपके ग्रोथ का कारण है। अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे, अगर झरना बहते 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 पत्थरों से नहीं टकराएगा तो वो म्यूजिक नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर वो जो मूर्ति बनती है उसको बहुत ज्यादा जो बनाने वाला है मूर्तिकार काफी उसमें हथौड़ी नहीं मारेगा तो वो मूर्ति इतनी अच्छी नहीं बनेगी। सो हीरा जो है तपेगा नहीं तो वो इतना अच्छा नहीं बनेगा। सो अगर आपको अच्छा बनना है तो ज्यादा से ज्यादा आने दीजिए, और हैंडल कैसे करना वो हम है यहाँ सिखाने के लिए, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी से जैसे मैं हमेशा शुरुआत करती हूँ, आज भी एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी आपको सेशन के स्टार्ट में। सो दोस्तों एक आदमी रहता है, ठीक है, सो वो गुरु के पास जाता है तो गुरु बोलता है ठीक है मैं तुमको सिखाऊंगा लेकिन तुमको 2 ऑप्शन देता हूँ, उसमें से एक ऑप्शन चूज करना है, अगर आप वो कर लोगे तो मैं तुमको जो है जो मेरा पूरा कोचिंग तुमको दे दूंगा। तो बोलता ठीक है, तो बोलता ठीक है 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि आप 100 डंडे खाओ, मेरा ये बंदा है आपको 100 डंडे मारेगा, दूसरा ऑप्शन है कि आप 100 प्याज खा लो, ठीक है। सो आप 100 प्याज खा लो या 100 डंडे, आपकी चॉइस, ठीक है। और आप जो भी ये कंप्लीट करते हो तो मेरी कोचिंग आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से दूंगा आपको। तो बता रही है तो आसान है, बता ठीक है सर मैं कांदा खा लेता हूँ। अब वो कांदा खाना शुरू करता है, 1 2 3 4 5 खाने के बाद जो आग से पानी निकलता है, तो गुरु जी बहुत कड़वा है पानी आ रहा है, एक काम करिए आप डंडा ही मरवा दीजिए। अब डंडा मारता है वो 1 2 3 4 5 7 8 डंडे खाने के बाद जो उसकी बचती है बोलता नहीं नहीं कांदा खा लेता हूँ। फिर वो कांदा खाता है, वापस 4 5 6 कांदे खाता है, फिर कड़वा लगने लगता है, बोलता अरे नहीं 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 मैं डंडा खा लेता हूँ। तो ऐसे करके दोस्तों वो 100 डंडे भी खा लेता है और 100 कांदे भी खा लेता है, और ना उसको और सक्सेसफुल भी नहीं होता। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जो काम कर रहे हैं एक पूरे जुनून के साथ, पूरे पैशन के साथ, पूरे मोमेंटम के साथ कर दीजिए,
वरना काम बार बार करते रहेंगे रिजल्ट आने वाला नहीं है. सो मोमेंटम शुड बी देयर. कांदा खाना है तो पूरा कांदा खा लीजिए, या डंडे खाना है तो पूरे डंडे खा लीजिए. नहीं तो वो होता है कि हफ्ते में एक दिन मूड हुआ तो जाके प्लान दिखा दिया, और फिर हफ्ते में किसी दिन बहुत एनर्जेटिक लगा तो डेमो कर दिया. सो ये वैसा ही है, बीच में कांदा खाया, डंडा खाया, कांदा खाया और कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा. ठीक है, आपको कंसिस्टेंट प्रोसेस है. एनी सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट प्रोसेस. ठीक है ना? तो चलिए हमारी स्लाइड शेयरिंग करते हैं. ओके, सो कॉमन ऑब्जेक्शन इन नेटवर्क मार्केटिंग. जो कॉमन ऑब्जेक्शन आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में. ठीक है, कुछ मैंने पॉइंट्स लिए हैं और कुछ सर ने भी मुझे हेल्प की है. सो हाउ टू टेक यस. नो आते हैं तो यस कैसे लेना है. सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, यार कुछ तो आज ट्रिक पता चल जाएगा, कुछ तो मैजिक पता चल जाएगा, कि आज तो बस हमको दवाई मिलने वाली है. अनिल सर ने शुरू में ही कह दिया था, आपको किस दे दिया है और उसी के बारे में मैं बताती हूँ आपको. ठीक है, तो ऐसी दवाई मिलती है क्या नहीं देखते हैं, लेट्स सी. तो मैं कहूंगी कि जो हम ना रणभूमि में जाने से पहले मन भूमि में जीतना जरूरी है. तो हमारे मेरे साथ भी हुआ और ये आप सभी के साथ होता है. टीम मेंबर्स, आई एम पुटिंग ऑल द एफर्ट्स बट गेटिंग रिजेक्शन ओनली. राइट, शुरू में मेरे पास भी बहुत सारे टीम मेंबर्स आते थे. राइट, तो पहले हमको अपनी मन भूमि में जीत हासिल करनी है. बाकी लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल करने से पहले मैं बोलूंगी, मैं तो मैं और मेरी टीम. सो मेरी टीम कोई भी ऑब्जेक्शंस पहले मुझे हैंडल करते आने चाहिए. ये हर आपको मैक्सिमम टीम मेंबर्स क्या बताए, रोशनी बहुत मेहनत कर रहे हैं, खूब एफर्ट डाल रहे हैं यार अपनी तरफ से. तो हम प्लान दिखाते हैं, रोज फोन भी करते हैं 10 लोगों को, लेकिन सब नहीं बोलते, रिजेक्शन ही मिल रहे. करेक्ट, आता है ये? यस. कितने लोगों को आता है? यस नो चैट बॉक्स. कितने लोगों को आता है ऐसा सुनने के लिए? डाउनलाइंस बोलते हैं यार बहुत एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन यार रिजेक्शन ही मिल रहे हैं हमको. सर काफी लोगों को, काफी लोगों को. मेरे पास भी अनिल सर के पास शुरू में ये चीज मैं लेके आती थी, धीरे धीरे ज्ञान की बुद्धि खुली. तो आपको बहुत बता दूं एग्जांपल, इसके आंसर पे जाऊंगी तो आंसर यूं ही आ जाएगा. एग्जांपल से बताती हूँ. जैसे कि हमारी नीना जी जो है उन्होंने सिखाया है कि आप ना स्टोरीज और एग्जांपल से सिखाओ तो इनको परमानेंटली चीजें याद रहेंगी. ठीक है ना? अब क्रिकेट खेलने जाते हैं. ओके, आप क्रिकेट खेलने जाओगे तो कोई भी जाएगा क्रिकेट खेलने तो क्या क्रिकेटर बन सकता है क्या? हेलो, नहीं. क्रिकेट, बैडमिंटन, कोई भी गेम खेलने जाएंगे बन सकते हैं. क्या चाहिए सर क्रिकेट के लिए? फिटनेस, स्टेमिना. राइट, फिटनेस, स्टेमिना और आप एक्टिव रहना चाहिए, बेसिक चीजें. ठीक है, वैसे ही जब आप ये कहते हो कि आई एम पुटिंग ऑल माय एफर्ट्स बट गेटिंग रिजेक्शन ओनली, तो आप अपने घर में ये एक प्रिंट आउट आपके बोर्ड के सामने लगा दीजिए. जब जब आप अपने अपलाइन से बोलने से पहले अपने आप से ये चार्ट सामने रखिए और अपने आप से पूछिए, हेलो, कि आई एम डूइंग दिस, क्या मैं ये कोर कर रही हूँ, क्या मैं 100% सेल्फ यूजर हूँ, क्या मैं लॉयल्टी करती हूँ, क्या मैं रिटेलिंग करती हूँ, क्या मैं प्रेजेंटेशन 15 नहीं तो क्या प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, ट्रेनिंग में पार्टिसिपेशन करती हूँ. दोस्तों जैसे क्रिकेट या बैडमिंटन के लिए फिटनेस जरूरी है, वैसे ही आपके रिजेक्शन कम करने के लिए आपको कोर होना जरूरी है. रिजेक्शन तो आएंगे, सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट होता है, धोनी भी 0 पे आउट होता है, लेकिन अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है. एक अश्योरेंस रहता है क्लोजिंग ज्यादा की. सो जब क्वेश्चन आते हैं, जिन सभी को क्वेश्चन आते हैं, तो ये चार्ट में पहले अपने आप से पूछना है कि मैं कितने कोर फॉलो कर रही हूँ. तो आप एक अच्छे बिजनेस पर्सन बनेंगे, आपकी क्लोजिंग अच्छी होगी. तो पहले जो कहते हैं ना मन भूमि में जीतना, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, ये चीजें आपको मोदी केयर में विश्वास दिलाएंगी. आपका मोदी केयर जो है बिजनेस पे
बिलीव डेवलप करेंगी, प्रोडक्ट में बिलीव डेवलप करेंगी, और ये चीजें आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन आते हैं उनके आंसर इसी में रहते हैं। जो भी आपको क्वेश्चंस आगे आएंगे मैं आपको बताऊंगी आंसर यही है। एक सेकेंड ना, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हो गए हमारे डॉग्स लोग भी पीछे से, उनको भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, जरूरत है लगता है उन लोग को भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। सो दोस्तों, ये जो आपका एक क्वेश्चन रहता है कि आई एम गेटिंग लॉट ऑफ रिजेक्शंस, तो आप जितना ज्यादा नॉलेज लोगे प्रोडक्ट्स का, आप जितना रिटेल्स और आप ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे, कोड बनोगे, आप उतना आप मतलब फिर आप इंजॉय करने लगोगे, आप परेशान नहीं होंगे रिजेक्शन पे। तो पहले कोड बनिए और मन भूमि में विजय हासिल करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है सिस्टम, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का जो है एक तरीका है। आप जब किसी से बात करते हैं और वो जो चीजें बोलता है वो ऑब्जेक्शन, मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये स्टैंडर्ड जो है फ्रेम, ये आपको फॉलो करना है। फ्रेज करना, कंफर्म करना, फील करना, फेल्ट करना एंड फाउंड करना। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, ठीक है। जैसे मुझे बोला किसी ने कि भाई रोशनी, ये जो प्रोडक्ट है बहुत महंगे है, प्रोडक्ट बहुत महंगे है और इससे अच्छे तो वहां मिलते, तो मैं उनसे उनको फ्रेज करूंगी, ओ आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट महंगे है, कंफर्म राइट, आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट महंगे है इसके, राइट। दो बार बोलिए, दो बार बोलने से सामने वाला घबरा जाता है कि यार दो बार बोल रही है, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हूँ। फिर आप बोलिए, आपको सिर्फ यही बात लग रही है जिसके कारण आपको लगता है कि ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, आप श्योर है कि ये प्रोडक्ट आपको आपको दूसरे प्रोडक्ट सस्ते लगते हैं, आप श्योर है, आप कंफर्म है। ओके, आप उनसे कंफर्मेशन लीजिए, उनके एक रीजन है, दो रीजन है, वो दो बार बोल के कंफर्मेशन लीजिए, फिर बोलिए। फिर रोशनी बोलेंगी, आप सही कह रहे हैं, मैंने भी जब इसका हैंड वॉश देखा था यार, इतनी छोटी सी बॉटल, और मुझे लग रहा था मेरे घर में बड़े बड़े फाउच पड़े हैं, एंड मैंने भी ऐसा सोचा कि ये महंगा है, 142 रुपीस का जो प्रोडक्ट है हैंड वॉश, और ये मार्केट में तो 99 रुपीस का डबल मिल जाता है। मैं भी सोची यार इसको बाद में लेती हूँ, कर तो रही हूँ बाद में लेती हूँ, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। बट देन आई रियलाइज, मैंने जब इसका देखा डिटेल और मैंने एक लेके आया, तो उसमें था कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है और आप इसको लिक्विड कर सकते हो, इसको डाइल्यूट कर सकते हो और इससे 3 से 4 बॉटल बना सकते हो। एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने जब डाइल्यूट करके इससे 4 बॉटल बनाई, तो ये जो है 99 रुपीज से काफी सस्ता हो गया। दूसरे प्रोडक्ट से मैंने पाया सस्ता भी है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है। सो एक सीक्वेंस, हर एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मैंने एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ही फ्रेज करना है अलग अलग तरीके से, और आप ये फ्रेज तब कर सकोगे क्योंकि मैंने आपको कोर बताया, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, जो भी, देखिए मैं आपको बताऊंगी, सारे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वो जब आप करोगे, चाहे डेमो दिखा रहे हो या आप रिटेलिंग कर रहे हो, तो आपको एक्सपीरियंस आएगा। बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस, मैंने एक फ्रेंड से बात की थी, उसने भी ऐसा ही किया बोला था, लेकिन उसने ऐसा करके देखा फिर ऐसा लगा। सो यू विल गेट लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट। सो आपको जब भी बात करना है सामने वाले को, पहला तो बोलना है आपका ऐसा होना चाहिए, आप ऐसे नहीं रहना चाहिए कि बस अभी तुमको मैं उड़ा दूंगा, क्वेश्चन पूछा है और धार 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 अटैक। बी स्माइलिंग, हंसते रहना है, स्माइल करना है, और यस ऐसा करोगे ना तो सामने वाला तो बढ़िया खुश हो जाता है आपकी ये वाली बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप सही बोल रहे हो, यू आर राइट, यू आर वेरी करेक्ट। बस एक बार कन्फर्म करिए कि आप जो है आपको प्रोडक्ट महंगे ही लगते हैं, कन्फर्म करिए आपको यही प्रॉब्लम है, बस दो बार बोल दिया मतलब दूसरी बार में तो वो गया। सो ये फ्रेज आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिकॉज दिस इज व्हाट द बेसिक ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो आपको हर एक ऑब्जेक्शन में फॉलो करना है। आर यू विथ मी? यस 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 यस। ओके भाई ऑडियंस, चैट बॉक्स में आपको समझ में आया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बेस फ्रेज? यस नो? ओके आगे चलते हैं ऑब्जेक्शंस के ऊपर। गुड,
अब ये अब बताइए क्या ये एमएलएम है या चेन बिजनेस है, ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे पब्लिक, यस नो यस यस ऐसे ही बताना शुरू किया कि सामने से अरे ये चेन बिजनेस तो नहीं, ये एमएलएम तो नहीं, राइट right? और ये सुनने के बाद आप में से कितने लोगों की बैटरी डाउन होती है, आप मी बोल सकते हैं मेरी जिसको भी लगता है ये क्वेश्चन सुनने के बाद मेरा बस आप बताना शुरू करें और सामने वाले ने बोला अरे ये चेन बिजनेस तो नहीं, ये एमएलएम तो नहीं, और ये बोलने के बाद हम जितने कॉन्फिडेंस से ऐसे गए थे उतने ही राइट आधा तो खत्म, हम वहीं गिव अप कर देते हैं। अब आपको बता रही हूँ जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कोई तो दो चीजें हो सकती है, पहली चीज उस बंदे को चेन बिजनेस क्या होता है इसके बारे में पता ही नहीं प्रॉपरली, या उसने कुछ अनाप शनाप सुना हुआ है एमएलएम या चेन बिजनेस के बारे में। क्या अब यहाँ पे जरूरी है आपका विश्वास और उनका विश्वास, पहले आप अपने आप से ये चीज समझ लीजिए किसी से बात करने का, ये जो बिजनेस आप कर रहे हो चेन बिजनेस एमएलए या नेटवर्क मार्केटिंग, क्या आप इस पे विश्वास करते हो या नहीं। मैंने कहा रणभूमि से पहले मन भूमि, आपको विश्वास है क्या कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है, ठीक है। सो फिर आप उसको जवाब में बोल सकते हो कि फ्रेज तो वही रहेगा इंस्टेंट जो बताया है कि फील फाइल फाउंड, उसके बाद जो आपका कन्वर्सेशन रहेगा उसमें आप पूछेंगे यस करेक्ट ये चेन बिजनेस है। वैसे आपको आपने चेन बिजनेस बोला, आपको आइडिया है क्या चेन बिजनेस क्या होता है, तो राइट बोलेगा हाँ मेरे फलाने फलाने ने, अरे वो एक दूसरे को जोड़ने वाला, एक मैंने एक मेंबर जोड़ा फिर उसने एक मेंबर जोड़ा, ऐसे जोड़ना रहता है उसको चेन बोलते हैं, या वो पैसे डाल दिए और वो अपन इतना डालेंगे तो इतना मिलेगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग या मनी सर्कुलेशन। ओ अच्छा देखो ये मालूम है, जो पता है चेन बिजनेस के बारे में मैं बताती हूँ तुमको, आपको आप बर्गर खाते हो तो हाँ बर्गर खाते हैं, तो आपने कभी देखा है मैकडोनल्ड्स चेन ऑफ रेस्टोरेंट, आप जो बर्गर खाते हो वो चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, जब वो आपको बोलता है यार चेन बिजनेस है एमएलएम है मैं नहीं करना है, ठीक है आपका यही रीजन है आपको कंफर्म करना है, फिर आप उनको बोलिए कि जो बर्गर खाते हो आप वो भी चेन बिजनेस में ही है, तो क्या आप बर्गर खाना छोड़ दोगे। दूसरा मैं आपको बताओ, आप जो सामान लाते हो आप कहाँ से लाते हो, रिटेलर, फिर रिटेलर होलसेलर से लाते, आपके पास सामान देखिए क्या है, ये वाटर बॉटल है, ये पेन है, राइट ये सारी चीजें, ये मोबाइल है, ये भी मैं एक रिटेलर से लेके आई हूँ, ठीक है वो एक होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, सो ये भी चेन बिजनेस है यार, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी लेना छोड़ देते हैं। सो दोस्त इस दुनिया में हर एक चीज चेन से ही रिलेटेड है, समझने वाली बात ये है कि ये चेन में किसका फायदा हो रहा है, तुम जिस चेन में हो उस चेन में तुम्हारा फायदा हो रहा है या जो दूसरा है मेन पर्सन उसका फायदा हो रहा है, और मैं जो तुझे बता रहा हूँ वो ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग है जहाँ पे तुझे इक्वली अर्न करने की अपॉर्चुनिटी है, उतनी ही अपॉर्चुनिटी है जितनी मैकडोनल्ड को है, जैसे मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी दे सकता है वैसे ही तुम अपनी फ्रेंचाइजी दे सकते हो। सो दिस इज वॉट यू हैव टू एक्सप्लेन, सामने वाले को क्लियर नहीं है और आप इतने कॉन्फिडेंटली उसको बता रहे हो, ये बिजनेस ने लाखों लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है, और जब हम एक टीम में काम करते हैं राइट तो हमारा टाइम मल्टीप्लाई होता है और एक अच्छी अर्निंग आती है। दूसरी चीज होती है चेन बिजनेस के बारे में एक मिसकंसेप्शन कि एक चेन की कड़ी टूटी तो पूरा अर्निंग टूट जाता है, तो यहाँ जो नेटवर्क मार्केटिंग है यहाँ ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल उसी तरह के है जैसे मैंने आपको बताया क्रिकेट का मैच आप देखते हो, क्रिकेट मैच देखते राइट, क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर होते हैं, क्या पहले 3 प्लेयर आउट होने से टीम हार जाती है। दोस्त वैसे ही यहाँ पे अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो आपका बिजनेस डाउन नहीं होता, जो जितना काम करता है वो उतना ग्रो करता है, ये टीम वर्क होता है, ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग।
क्लियर एकदम क्लियर ओके सो दिस इज बहुत प्यार से ये कभी वो सोचा भी नहीं होगा कि यार ये इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है चेन बिजनेस का जो वो समझ रहा है और ये एक्चुअली में क्या है तो सामने वाले की को नॉलेज नहीं है तो हमको उसको अच्छे तरीके से ये चीजें समझाना है ये देखिए ये आता है किसी को नो मनी टू स्टार्ट द बिजनेस यार बिजनेस तो सही लग रहा है लेकिन क्या करू पैसा ही नहीं है लॉकडाउन है थोड़ा पैसा भी कम आ रहा है राइट यस 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 शुरू करने के लिए पैसा ही नहीं है ओके सो दोस्तों अब जो लोग ऐसा बोलते हैं पैसा ही नहीं है ठीक है हाँ पैसे नहीं है शॉपिंग पैसा नहीं है क्या करूं करेक्ट असल में शॉपिंग में आऊंगी आज शॉपिंग तो मेरा दिल को टच करके गया है एक बहुत बड़ा मेरे साथ हादसा हुआ है जो मैं बिल्कुल व्याकुल हूँ बताने के लिए ठीक है ओके नो मनी टू स्टार्ट द बिजनेस तो दोस्त आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा लगा करेक्ट आपने देखा इसका पोटेंशियल भी बहुत बढ़िया है लेकिन आपको लग रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे अरेंज करने पड़ेंगे ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में कि आपके पास पैसे नहीं है अगर आज की तारीख में आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या कुछ अर्जेंसी आ जाती है तो आप क्या करोगे कहीं ना कहीं से पैसे लाओगे सो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है राइट जिसको बनाने के लिए आपको अगर विश्वास उनसे कंफर्म करना आप इस पर विश्वास करते हो ना कि ये बढ़िया फंड बिजनेस कंसेप्ट है पहले आपको कंफर्म करना है आपको सिर्फ ये लग रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है सो फिर पूछने का उनसे कि अगर आज आपके पास कुछ मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उस केस में क्या करोगे पैसे लेंगे कहीं ना कहीं सो ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं ब्रश करना छोड़ने नहीं वाले टूथपेस्ट करते हैं नहाते हैं वो सारी चीजें ही लेना है आप कम से कम में भी शुरू कर सकते हैं उसके साथ हमारे पास अगर आपको इतना प्रॉब्लम चल रहा है तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी है जो 2 महीने में आपको 10,000 और 4 महीने में आपको मिलेनियर भी बना सकती है सो मेरे ख्याल से तो ये एक ऐसा पीक टाइम है जब आपने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आना ही चाहिए करेक्ट यस बहुत नहीं है तो बोल देते हैं लॉकडाउन में बहुत स्टॉक पड़ा है घर में ओके आएंगे आएंगे हम इस पे भी आएंगे बिल्कुल बहुत स्टॉक पड़ा है ये लोगों को भी मैं हैंडल करती हूँ बहुत आई विल कम टू दिस पॉइंट वेरी नाइस पॉइंट ओके स्टॉक पड़ा है घर पे देन नेक्स्ट इज आई विल आस्क माय हस्बैंड वाइफ एंड लेट यू नो बोलते हैं ना मैं अपनी वाइफ को मैं अपने हस्बैंड को पूछूंगा अच्छा लगा बहुत बढ़िया है यार अच्छा बताया तूने एकदम एक्साइटेड फुल एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके बाद कल फोन आता है तो फोन ही नहीं उठाते ये बोल के जाते कि हस्बैंड से पूछूंगा वाइफ से पूछूंगा भाई से पूछूंगा बहन से पूछूंगा और बस आपने तो उधर काम कर दिया अपना और दूसरे दिन से उनका फोन उठाना बंद लेकिन जब आप हमको ये बोले कि भाई मैं अपने हस्बैंड वाइफ से पूछूंगा तो बोला ओके नो प्रॉब्लम आप बिल्कुल पूछिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप एक मूवी देख के आ रहे हैं ओके मूवी देख के आई आपने जबरदस्त मूवी थी और आप देख के बाहर आए और मैं आपसे पूछता हूँ कि कैसी थी क्या आप मुझे वो मूवी का हर एक डायलॉग वो मूवी का हर एक सॉन्ग हर एक पिक्चराइजेशन एज इट इज बता सकते हो क्या नहीं मैं तो तुमको शॉर्ट में बता दूंगा 2-4 की कैसी थी क्या थी तो आप यहाँ पे मैंने आपको इतना डिटेल में एक कॉन्सेप्ट बताया वो देखने के बाद आपको समझ में आया और आपने उसको ओके बोला अगर मैं 2-3 वर्ड में आपको ये चीजें बता देता तो क्या आप मेरे को हाँ बोलते या अच्छा कॉन्सेप्ट है बोलते क्या तो आप जब ये 2-3 चीजें अपने वाइफ या हस्बैंड जिसको भी बोलोगे तो उनको भी नहीं समझ में आएगा और हम आपको 99% बोलते हैं तो हो सकता है उनका रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं रहे आपको चीज अच्छी लग रही है आपकी लाइफ में है तो सेल्फ डिसीजन लेना है लेकिन आपको फिर भी लगता है कि आपकी वाइफ या हस्बैंड को पूछना है तो आप हमारे साथ उनको
मीटिंग में बुलाइए, हमारा एक प्रेजेंटेशन रहेगा, आप उनको वहां बुलाइए और उसके बाद हम सामने सामने उनसे पूछेंगे। सो मेक श्योर ये जरूरी है उनके दिमाग में डालना, अदरवाइज पक्के से जाके बताते हैं और वो वही स्टोरी क्लोज हो जाती है। आपने एडवांस में उनको फील करा दिया कि वो ये करने वाले हैं, सो उनको पता है कि इस बंदे ने पहले ही मेरे को बोल दिया है कि ये, और इसमें आप ये भी बोल दीजिए तो सर हो भी सकता है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करने के कारण आपके हाथ से जा सकती है और आप मुझे काफी समझदार लगते हैं और आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। सो इस तरह की आप वहां पे आप जबरदस्ती पकड़ तो नहीं सकते, लेकिन ये फ्रेज करना जरूरी है। नाउ आई एम फीलिंग आई एम एट राइट। ओके नेक्स्ट, आई डोंट हैव टाइम, भाई लोगों को ट्रेनिंग में आने के लिए भी टाइम नहीं रहता। फिर मन भूमि में जीतना है, आई डोंट हैव टाइम, बहुत बिजी दुनिया में, तो मतलब बच्चे सबसे ज्यादा बिजी है कार्टून शो देखने और उनको भी व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं मिलती। सो जब आपको कोई कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो आपको बोलना है आप तो बहुत सही पर्सन हो फिर इसके लिए, बिकॉज समय की कीमत उन्हीं को पता रहती है जो समय का सदुपयोग करते हैं, वो ज्यादा का टाइम देते हैं। सो आप जो इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो अपनी अर्निंग के लिए, तो मेरे हिसाब से आपसे बेहतरीन इंसान नहीं होगा जो समय की कीमत जानता है आप ना, राइट। सो आपको सामने वाले को अटैक नहीं करना है, एडिफाई करना है। सो ही विल फील गुड, सामने वाले को फील गुड कराओ फ्रेज करते हुए, याद रखना शुरू का फ्रेज करते हुए कि जब मैंने देखा था मैं भी दो तीन एक्टिविटीज में बिजी थी और मुझे भी लगा था कि यार मैं ये कर रही हूँ फिर ये भी कर रही हूँ, घर का काम होता है बच्चों का काम होता है तो टाइम है किधर, ठीक है, और टाइम कैसे निकालूंगी। फिर मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखा तो मैंने रियलाइज किया कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे टाइम थोड़ा सा देके एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट भी सिखाएगी और टाइम देके टाइम और पैसा दोनों कमाना सिखाएगी। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कंक्लूड कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए जो लोग बहुत बिजी रहते हैं, जो लोग को टाइम मैनेजमेंट भी सिखाती है और टाइम देके टाइम और पैसा दोनों कमाना सिखाती है। सो क्या आप जुड़ना चाहेंगे ऐसी अपॉर्चुनिटी को, क्या आप देखना चाहेंगे ऐसी अपॉर्चुनिटी को, क्या बोलेगा बताइए। इतने प्यार से आपने उसको बोल दिया, डेफिनेटली सुनेगा। अब ये चीजें कुछ बताती हूँ, देखिए ये होता है, आप बिल्कुल उनको बता सकते हैं एग्जांपल, जैसे हमारा टाइम मैनेजमेंट का ऐसा ही होता है कि आपके पास 10-12 ड्रेस है और आपके वार्डरोब में ऐसे ऐसे बिखरे पड़े हैं तो उसमें कोई स्कोप नहीं रहता कुछ नया डालने का और आप ना हमेशा टायर्ड और बिजी ही दिखते हो। वही अगर चीजें बहुत अच्छी से प्लान करके रखते हैं तो आप में उसको बहुत सारा स्कोप रहता है। तो ये बिजनेस आपको हेल्प देता है टाइम मैनेजमेंट ग्रो करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, राइट। आपकी प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो और आपको अच्छा लगेगा कि आप एक नया अचीवमेंट कर रहे हो। सो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्रेज करना है। Then I do not have much contacts. ये आता है किसी को कि भाई तो contacts ही नहीं है, मेरे पास लोग ही नहीं है। हाँ मेरे पास लोग ही नहीं है, मेरे पास तो contact ही नहीं है, I am not very social. किसको बताओ? तो मैं तो किसी से बात ही नहीं करती हूँ। Correct? बहुत सारे लोगों को आता है contact ही नहीं है मेरे पास। सर थोड़ा yes, सा yes. लोगों से कोई लेन देन ही नहीं है हमारा, आए है हम और हमारा घर और आए खाए पिया सोया और खत्म जिंदगी। सो पहली बात तो ऐसे लोग जो है उनके लिए बहुत जरूरी है, मैं तरीका बताती हूँ, ठीक है। अगर कॉन्टेक्ट है पहले तो मैं बताऊंगी कि कैसे है कॉन्टेक्ट और फिर मैं आपको बताऊंगी अगर नहीं भी है तो भी आप कैसे डेवलप कर सकते हो, ठीक है। काफी लोग लिख रहे हैं उनके ही सबसे ज्यादा कांटेक्ट निकलते हैं, सही बोला संध्या जी, उनके ही सबसे ज्यादा कांटेक्ट निकलते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं ज्वाइन नहीं होते, एक्सक्यूजेस बताते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो मजा आ रहा है, मतलब लग रहा है चीजें,
मैं घर से बाहर रहता हूँ, मेरे अंदर कोई नहीं ज्वाइन होगा, आएंगे आप मेरे घर कोई नहीं ज्वाइन होगा, चलिए सो आई डोंट हैव मच कॉन्टेक्ट. सो अब इन लोगों के लिए होता है कि हर इंसान जो है कॉन्टेक्ट कैसे बताना, ठीक है. सो उनके बारे में या तो हमको आइडिया रहेगा. सो मैंने बोला मैं ना जॉब करती हूँ और मेरा आई कंसिडरिंग माई सेल्फ कि मैं जॉब करती हूँ या मैं घर में ही रहती हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ. सो मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरा बस इतना ही होता था कि मैं नीचे जाती हूँ और बच्चों को छोड़ने जाती हूँ और घर का काम. तो मैं भी ये सोचती थी कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती. लेकिन जब मैं मेरी अपलाइन जो है, मेरी जो फ्रेंड है, उसने मुझे एक समझाया और एक चार्ट दिखाया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कम से कम 300 से 500 लोगों को जानती हूँ. क्या तुम देखना चाहोगे कि आपके कितने कॉन्टेक्ट्स हैं? मैं तेरे को वो चार्ट दिखाती हूँ, आप देखो, आपको भी रियलाइज होगा कि आपके 300 से 500 चार्ट है. अब देखिए, आप खुद, हम जब अब लिखते हैं, आप खुद सोचिए, आप हो, आपकी फैमिली मम्मी पापा, ठीक है, भाई बहन, आपकी फैमिली हो गई, भैया भाभी, यहाँ पे आपके हर एक के जो कॉन्टेक्ट्स कम से कम 10 निकल गए फैमिली से, 10 से 20 या सिर्फ फैमिली में, आपकी खुद की फैमिली में देख लीजिए कितने कॉन्टेक्ट्स निकलते हैं. फिर आप और आपके फ्रेंड, आपके बिल्डिंग के फ्रेंड हो गए, आपके ऑफिस के फ्रेंड हो गए, आपके स्कूल के फ्रेंड हो गए, आपकी पिछली बिल्डिंग के फ्रेंड हो गए, राइट. आप कहीं घूमने गए थे तो वहाँ फ्रेंड बना, आप किसी पार्टी में गए थे तो फ्रेंड बना, आप योगा क्लासेस जाते हो तो फ्रेंड बना, 50 यहाँ हो गए. फिर आपके स्कूल और कॉलेज के दोस्त, आप अलग अलग कॉलेजेस में लिस्ट. ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको बताऊंगी. आपने कुछ क्लासेस की तो वहाँ पे आपके दोस्त, आपने जॉब किया या बिजनेस किया तो वहाँ पे आपके पहचान के लोग होंगे, आपके पड़ोसी, आपकी कम्युनिटी, सोशल मीडिया, ये आप सभी के लिए भी काम आएगा जो ऑलरेडी मेंबर है. सो फ्रेंड्स, अगर हम हर एक कॉम्बिनेशन के साथ, अगर ये जो मैंने बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, एक कॉम्बिनेशन के साथ 8 जो है उसमें 10-10 करती हूँ तो 80 होते हैं, और 10 कॉम्बिनेशन के साथ 800 होते हैं. 800 मैं मिनिमम भी करूँगी तो 300 कॉन्टेक्ट निकल जाएंगे झाड़ झाड़ के. और बहुत आसान तरीके से पूछना है तो ये भी पूछ सकते हो कि आपकी शादी हुई थी, जो मुझे बड़ा मजा आता है पूछने में, अगर कोई मैरिड है तो आपकी शादी में कितने लोग आए थे? शादी में तो बहुत लोग आए थे, कितने? 5000 लोग आए थे. तो हम उनको कहते हैं, यार वो जो आए थे वो ऐसा तो नहीं है कि आपकी शादी चल रही है और सब लोगों ने देखा, चलो चलो इसकी शादी हो रही है, चलो चलते हैं, आपको जानते ही नहीं थे. तो वो खुद हंसने लग जाएंगी, राइट. ऐसे कैसे प्रॉपर इन्विटेशन, अगर इन्विटेशन गया है तो डेफिनेटली आप उनको जानते हो थ्रू योर मदर, थ्रू योर फादर, थ्रू योर ब्रदर, किसी ना किसी के थ्रू. और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ड्रीम्स हैं, सपने हैं और आपको आपकी लाइफ में कुछ चाहिए, तो आपको नहीं लगता उन लोगों को भी अपनी लाइफ चेंज करनी होगी, उनकी लाइफ में भी कुछ चेंज चाहिए, कुछ उनके ड्रीम्स हैं जो उनके पूरे होना है, और अगर वो पूरे होते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा. सो खत्म हो जाती है बात कि कॉन्टेक्ट नहीं है. उसके बाद एक और चीज आपको बोलना है, ये बिजनेस आप अकेले नहीं कर रहे हो, आपके साथ पूरा टीम है, पूरा टीम जुड़ा हुआ है और टीम के भी कॉन्टेक्ट्स रहेंगे. ओके, ठीक है, क्लियर पॉइंट? यस यस सर. बाकी एक दो लोग और भी अनम्यूट होंगे तो मजा आ जाएगा, बाकी कोई दिख नहीं रहा है. पैसा नहीं बन, दस लोगों को अनम्यूट कर दिया है. हाँ सर, बढ़िया, तो मजा तभी आएगा. हाँ, सही बात है. पैसे नहीं बनते. यस माँ, तुम कितना कमाते हो, इसमें पैसे नहीं बनते. पहले तो बोलेंगे यार, बहुत लोगों को देखा इसमें पैसे वैसे कुछ बनते नहीं है, ये सब गोली देने का बिजनेस है, बड़ा बड़ा बताते हैं कुछ पैसा नहीं बनता, करेक्ट? राइट. सो दोस्तों, मानो या ना मानो, आप मानो या ना मानो, आप गूगल में जाके
रिकॉर्ड निकाल के देख लो, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस राइट 15 लाख करोड़ का बिजनेस हो गया है, और 15 लाख करोड़ का बिजनेस के साथ साथ इसने करोड़ों अरबों रुपए डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांटे हैं। सो पैसा आ भी रहा है और बढ़ भी रहा है आपको राइट, इसका मतलब ये ग्रो हो रहा है और आ भी रहे लोगों के पास। अब दूसरा क्वेश्चन जो बहुत चूकता है, हाउ मच डू यू अर्न, तुम कितना कमाते हो, आपने कितना कमाया। सबसे ज्यादा दिक्कत उनको होती है, ज्वाइन कर लिया महीना हुआ, टाइम नहीं मिला, ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाए, ठीक है, और ज्यादा बिल्कुल पक्का है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में शुरू में पैसा नहीं आता, और वो किसी के पास जाते हैं ना और ये क्वेश्चन पूछता है तू कितना कमाती बता जरा, इधर चेक आ रहा है 700 रुपए का, अब क्या बताओ क्या बोलू मैं इसको, हालत खराब हो जाती है, क्या बोलू, ठीक है। सो उसको बोल, ये चीज आप ध्यान रखना फ्रेंड। मैंने जो है इसमें देखा, इसमें ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जो आपको 8 तरह की इनकम देती है, इंडस्ट्री का 62% पे आउट देती है, आपको आपका ट्रैवल फंड देती है, आपको आपकी पसंद की कार लेने का, फॉरेन ट्रिप करने का, और आपकी पसंद का ड्रीम हाउस लेने, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देती है। और मेरे साथ मेरी टीम में आप एग्जाम्पल देख सकते हो, वहां पे आपको एग्जाम्पल देना है कि आप देख सकते हो हमारी टीम में है अनिल गावड़े जी, जिन्होंने जो मुंबई पोर्टस में काम करते थे, और जिन्होंने वहां पे गवर्नमेंट जॉब में तो 25 साल काम किए, 25 साल काम करके एक गाड़ी भी नहीं ली, लेकिन इस बिजनेस में उन्होंने ज्वाइन होते ही कार ली और अभी दूसरी गाड़ी भी ले रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग भी आ रही है उनकी, और भी एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल भी बता सकते हो। सो पैसे आते हैं। अब मैं यहाँ पे वो स्टूडेंट हूँ जो ज्वाइन हुई हूँ राइट, अब आपका बच्चा स्कूल जाता है, ABCD सीखता है, तो आप उसको नहीं बोल सकते हो कि भैया सेंटेंस लिख और पूरा ऐसे बता दे। तो यहाँ पे आपको अर्निंग आती है, और मेरे पास एग्जाम्पल है, और बहुत जल्दी आने वाले समय में, ये बोलिए कि आने वाले दिसंबर में मैं इस बिजनेस से 50,000 रुपए कमा रही हूँ। इट यू हैव टू शो योर कॉन्फिडेंस, मैं इस बिजनेस में 50,000 कमा रही हूँ, इसमें वो पोटेंशियल है राइट, और मेरे साथ साथ काफी लोग जो है इस बिजनेस में इतना ही अर्न कर रहे हैं और आगे करने वाले। सो ये आंसर आपको देना है उसको, ये वो जान पूछ के आपसे सुनना चाहता है, आपको वो जो पूछ रहा है वो नहीं देना है 700 रुपए कमाते हैं 800, आपका लर्निंग फेस है, ठीक है, आपने बताया ये इंडस्ट्री क्या है, और आपको ये बताना है एग्जाम्पल कि मेरे सामने हजारों लोग मेरी टीम में ये अर्न कर रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके बताने हैं, और मेरा भी दिसंबर तक ये आने वाला है। This is what you have to do. सुरेखा भार्गव जी ट्रेन में जाती थी, मुंबई आई थी, उनसे लोगों से बात करती थी, मैं फॉरेन जा रही हूँ, मैं फॉरेन ट्रिप जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलना चाहोगे क्या, कुछ नहीं था उनका दोस्तों, GBD भी नहीं, डायरेक्टर भी नहीं बनी थी, ये कॉन्फिडेंस और ये एटीट्यूड था। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, तब आपका एटीट्यूड रहना चाहिए उस चीज को। मैं जब भी मैं शायद डायरेक्टर भी नहीं थी, तो भी मेरा एटीट्यूड वहां पे वही था, शायद मेरे टीम का हर मेंबर जानता है, द वे आई प्रेजेंटेड उसी दिन से मिलेनियर की तरह, कभी सोचा ही नहीं कि मिलेनियर नहीं हूँ। तो वो एटीट्यूड आपको आज से ही रखना है कि मैं मिलेनियर हूँ और उसी तरह से बात करनी है। Make it till you make it. Okay, my friend lost money in network marketing. मेरे दोस्त ने बहुत पैसा गवा दिया नेटवर्क मार्केटिंग में। आपको आता है ये क्वेश्चंस कि मेरे दोस्त ने बहुत पैसा गवा दिया नेटवर्क मार्केटिंग में? हेलो, यस 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 यस, काफी लोग बोलते हैं, तो वहां पे आप यही बताइए बिल्कुल कि आप ना बिल्कुल सही बोल रहे हो। इनफैक्ट मुझे भी ये एक्सपीरियंस है, मैं तो नफरत करती थी नेटवर्क मार्केटिंग से, इतनी ज्यादा नफरत थी, क्योंकि मैंने भी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई किए, ठीक है, अगर आपने नहीं किए तो आप किसी और का एग्जांपल दे सकते हो, जहां मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था, ऐसी कंपनियां आई जिन्होंने आपको बोला कि इतना डालोगे तो इतना आपको रिटर्न मिल जाएगा। पर फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है
कि आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हो तो कंपनी के 3 P जानना, कि वो कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है और जो कंपनी है क्या पे आउट देती है। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपका सक्सेस पक्का है, कोई पैसे का लॉस नहीं होगा। अगर आपके फ्रेंड ने कहीं पैसे कमाए तो डेफिनेटली वो कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे आई होंगी, मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग बता के और कुछ पैसे डलवाए होंगे, उसके अगेंस्ट में कोई प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा और वो कोई बेस नहीं होगा उस कंपनी का, वो आई और गई। वेयर एज मोदी केयर जो है 25वां साल हो रहा है, 25 साल से सक्सेसफुली ग्रो हो रही है और अगर 25 साल से इस बिजनेस में लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं इसका मतलब बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट है, इसीलिए टिकी हुई भी है और ग्रो भी कर रही है। करेक्ट, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर। मुझे मार्केटिंग नहीं जमती, अपने आप कहते हैं ना बोलते हैं। हाँ जी, ये सवाल बहुत जन बोलते हैं, मतलब मुझे मार्केटिंग नहीं जमती, तुमको जमता है ऐसे। तुमको जमता है, मुझे मार्केटिंग नहीं जमती, बिल्कुल सही कहा आपने, राइट। और मैं तो बहुत रिजर्व काइंड की एक लेडी थी और मुझे भी किसी को बात करना पसंद नहीं था। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ और मैं प्रोडक्ट यूज करने लगी। और जब प्रोडक्ट मुझे इतने अच्छे लगे, उनके बारे में नॉलेज आया मुझे, और जब ये चीज मुझे अच्छी लगने लगी प्रोडक्ट की, तो फ्रेंड मैं अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाई और मैंने अपनी मम्मी को और अपनी सिस्टर को शेयर किया और मैंने उनको बताया कि मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ और इसको यूज करने से मेरे घर के काम में काफी हेल्प हो रही है, मेरा टाइम सेव हो रहा, पैसे सेव हो रहे, हेल्थ अच्छी हो रही है। और उन्होंने भी यूज करना शुरू करा और उनको भी अच्छे लगे और मुझे पता ही नहीं चला कि मार्केटिंग तो मुझे करनी ही नहीं पड़ी। और देन मैंने ये रियलाइज किया कि ये चीज शायद मैं पहले भी करती होंगी। अच्छा एक बात बताओ, मुझसे पूछना है, एक बात बताओ कि आप कोई मूवी भी जाते हो, रेस्टोरेंट जाते हो कभी खाना वाना खाने के लिए? तो हाँ हम जाते हैं। सो रेस्टोरेंट से तुमको खाना अच्छा लगता है या तुम मूवी देख के आती है तो कोई अच्छा लगता है, तू क्या करती है? तूने याद है लास्ट टाइम मुझे बताया था कि वो मूवी बहुत अच्छी थी, तू जरूर देख के आना। हाँ तो पक्का है, देखो तुम्हारे, हाँ तो तूने बताया था और फिर मैं वो मूवी भी देख के आ गई थी। बट मुझे रियलाइज हुआ कि जब हम ये सारी चीज तो कर ही रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, कोई तीसरा ही पैसे कमा रहा है और वो मार्केटिंग भी नहीं है हमारा, एक दूसरे को हेल्प और शेयरिंग है। सो ये बिजनेस में हम शेयरिंग ही करते हैं, राइट, ऑनेस्ट शेयरिंग जो हम यूज कर रहे हैं। तो कुछ आपको एक्स्ट्रा मार्केटिंग स्किल्स नहीं चाहिए, जो आप करते हो वही करना है। मैं भी नहीं करती थी और मैं भी यूज किया और अच्छा लगा तो शेयर किया। तो ये शेयरिंग एंड केयरिंग का बिजनेस है, मार्केटिंग का बिजनेस नहीं है। सो आप यूज करो और अच्छा लगा तो उन सभी को शेयर करो जिनको आप केयर करते हो। ओके, ये भाई प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव, बहुत महंगे प्रोडक्ट है, रेट देखा, प्रोडक्ट बहुत महंगे है, बराबर आता है मैक्सिमम लोगों का है, मैक्सिमम लोगों को आता है, प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव। तो शुरू में तो मैं एग्जांपल में वापस वो फ्रेज बता दिया था, उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, ये वो प्रोडक्ट है जो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, जो आपके घर में सिर्फ सामान ही नहीं लाते घर का, राइट, एफएमसीजी प्रोडक्ट ही नहीं लाते, लेकिन जितनी बार आप ये सामान लाते हो उतनी बार आप एक अपॉर्चुनिटी लेके आते हो, ये फर्क है। उतनी बार एक अपने को एक अपने ड्रीम पूरा करने की तरफ आगे बढ़ा के लेके जाते हो, वेयर एज जब आप मार्केट का दूसरा सामान लेके आते हो उस समय के लिए अगर आपको वो भले ही सस्ता लगेगा लेकिन जिंदगी भर का वो एक्सपेंस ही है। लेकिन जितनी बार आप ब्रश लाओगे और जितनी बार साबुन लाओगे उतनी बार आप अपने ड्रीम के तरफ आगे बढ़ोगे और उसने आठ अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी देगा। सो ये प्रोडक्ट मेरे ख्याल से सस्ते महंगे नहीं, ये प्रोडक्ट अनमोल प्रोडक्ट है, इनकी कोई कीमत नहीं है क्योंकि इनमें वो ताकत है जो आपके सपनों को पूरा कर देंगी। कैसा है? एकदम बढ़िया,
राइट सो ये बोलना है, इनमें वो ताकत है जो आपके सपनों को पूरा कर देंगी, जो आज तक आपने इतने सालों से सामान लिया है या फ्यूचर में भी लोगे तो कभी उसका कोई चांस कहीं नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. आई कैन शेयर माय पर्सनल डॉक्यूमेंट, मैं अपने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकती भाई, मैं तो yes, ma'am. करेक्ट ना, मैं अंबानी हूँ, टाटा बिरला हूँ, तो फिर क्या बताए भाई अब इसको, इसके डॉक्यूमेंट ही शेयर नहीं करना है तो फिर ये बहुत सारे लोग बोलते हैं रोशनी, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना. अच्छा एक बात बताना उनको, उन्होंने जियो लिया था, जियो उनसे पूछना, पूछ सकते हो आप, जियो जियो का ऑफर आया था रिसेंटली, तूने लिया क्या? वो फ्री था. मैंने कहा फ्री, बोलेंगे हाँ लिया था. अच्छा तुम्हें बिना अपना आधार कार्ड दिए तो जियो मिल गया क्या? तुमने जो दुकानदार को दिया था उसकी क्या गारंटी थी? बट आपको सिर्फ 6 महीने के फ्री मिल रहा है, इसलिए आप वहां रिस्क ले रहे हो, यहाँ पे आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप उसके लिए डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहते. 6 महीने का फ्री बढ़ा है या लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बढ़ी है? उसके साथ ये जो कंपनी है उसको 27 साल हो गए और मार्केट में बहुत बड़ा नाम है. सो आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ रहे हो राइट, जिससे जो बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है. सो ये आप एग्जांपल उसको दे सकते हो और डॉक्यूमेंट आपके सेफ और सिक्योर है. तो जरूर जियो या ऐसी चीज का देने का जो उन लोग फ्री में लेते हैं, और ले लो आप, मेरा अब भी देती हूँ मैं आपको, आधार कार्ड चाहिए लीजिए अब भी भेजती हूँ. सो आपको एग्जाम्पल जरूर बताना. सो आप थोड़े से डिस्काउंट के लिए आप वहाँ देते हो, यहाँ पे तो आपको सेविंग होंगी, उसके साथ साथ आपको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, वो भी एक ऐसी कंपनी के साथ जो 87 ईयर्स से ज़्यादा पुरानी है और जो 63,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर रखती है. सो जुड़ना चाहेंगे आप? ओके यस, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे ऑब्जेक्शन शेयरिंग के, जो आई थिंक काफी लोगों को आते होंगे, ठीक है ना. सो दोस्तों ऑब्जेक्शंस आते रहेंगे और काफी लोगों के कुछ पॉइंट क्लियर होंगे, जैसे कि सर ने बताया था कोई गोली नहीं है ये, लेकिन ऑल एटीट्यूड मैटर्स, और ये आप कैसे प्रेजेंट करते हो दैट ऑल्सो मैटर्स. जैसे कि मैंने बोला आपको और नहीं बने और आप ऑब्जेक्शन हैंडल करने गए, मन भूमि में जीत हासिल नहीं की और आप रन भूमि में चले गए, तो रन भूमि में कोई नहीं जिता सकता दोस्त. तो पहले मन भूमि में जीतना जरूरी है, सेल्फ कन्विंस होना और कोर बनना, उसके बाद आप देखो ये बिल्कुल धोनी की तरह जो है ना एरोप्लेन हेलीकॉप्टर शॉट मारोगे आप, किसी ने बोला आपको फर्क ही नहीं पड़ता. और दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, रिजेक्शन आने चाहिए. मैंने कल ही मेरी मीटिंग में बोला रिजेक्शन आने चाहिए. चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ये रिजेक्शन भगवान ने क्यों बनाया है, कुछ चीजों के लिए बनाया है. अगर आपने 100 लोगों की लिस्ट बना ली, ठीक है, और आपने जो है 50 लोगों से बात किया और 50 के 50 ज्वाइन हो गए, क्या आप काबिल हो वो 50 लोगों को तुरंत हैंडल करने के? आप 50 लोग ज्वाइन हो गए, सामान खरीद लिए और हर 50 आदमी के हर आदमी ने, हर पर्सन ने 50 लोगों को जोड़ दिया. आर यू कैपेबल? क्या आप मैनेज कर सकते हो? नो नो भगवान है, राइट, गॉड हैज सम प्लान. भगवान चेक करता है कि भाई सीख लिया मैनेज कर सकता है तो हैंडल कर रहा है. तो अगर नहीं हो रहा तो सोचिए कि भाई कोर में कुछ कमी है, उसको थोड़ा ठीक करती हूँ. भगवान को समझ में आ रहा है कि ये शायद मैं इतना मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ. ठीक है, अगर भगवान बोला ये चलो इसको जल्दी ऐड करा दे और फटाफट ऐड भी हो गया ना, तो जिस स्पीड से आए ना उससे डबल स्पीड से चले जाएंगे. क्योंकि ज्वाइन तो हो गया लेकिन एडुकेट ही नहीं हुए, बिजनेस का पोटेंशियल ही नहीं समझ पाए, तो नहीं हो पाएगा. करेक्ट. सो दोस्तों जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस पे विश्वास करिए. सिर्फ अपना काम करिए, जो आपको बिजनेस बताता है, जो आपको सिस्टम बताता है, सीखते जाइए और पूरे विश्वास के साथ लोगों को आगे बढ़ाते जाइए, ऑब्जेक्शन के चौके छक्के मारते जाइए. और ये सब हुआ है 1 साल में, इतने रिजेक्शन मेरी लाइफ में, मैंने जितने रिजेक्शन लिए हैं मुझे नहीं लगता शायद ही मिले होंगे, एंड आई एंजॉय इट.
दूसरा एक और चीज मैंने बताया था जिनके कॉन्टेक्ट नहीं होते, सो ये तो बहुत अच्छा है। कहाँ लोग तोड़ने का बिजनेस, तोड़ने की बातें बताते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी की बात बताते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस जो आपको एक दूसरे से जोड़ता है। तो आप लोगों से जुड़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर आपके जीरो कॉन्टेक्ट भी है ना, तो लोगों से बात करना शुरू करिए, लोगों से दोस्ती करिए, बात करोगे तो बात बनेगी। आपके दुनिया में आए हुए तो 10 लोग आपके फ्रेंड और आपके चाहने वाले नहीं रहे तो यार दुनिया में आने का मतलब ही क्या। यू आर अ मैन, शो योर प्रेजेंस, राइट। तो सर ये हो गया मेरा, आई होप सबको पसंद आया होगा सेशन आज का। और खत्म करने से पहले आज मैंने जैसे सर को भी बताया था, आज मुझे कुछ एक बात बहुत चुभी, तो मैं आप सभी के साथ वो बात शेयर करना चाहती हूँ। आज मैंने प्लान दिखाया और उसमें होम शॉपी भी दिखाई, तो आप हम सब इतने दिन से प्रमोट कर रहे हैं होम शॉपी सब, यस करना चाहिए सर, यस सर करते हैं करते हैं करते हैं। मैं भी वही सब कर रही हूँ और मैं भी प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को सच बता रही हूँ, अगर पहले आती थी मैं 21 लोग खड़े करती थी, मेरे फ्रेंड रिलेटिव, और मैं इसको 100 दिन में कन्फर्म करती थी। क्योंकि इस बड़ी चीज को हम सब नहीं समझ रहे कि हमने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया तो हमको ये होम शॉपिंग समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी विल लीड विद द एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल लोगों को ज्वाइन कराएगा। तो जिस बंदे को मैंने दिखाया उसने मेरा पूछा, ठीक है, मैंने उसको बताया और 600 लोग एक्टिव है ये बताया। सो वो कह रहा, उसका कहना था वो नया ज्वाइन ही है, तो एक चीज थी कि आप 600 लोग जिनको, सी ये मेरा पर्सनल है, कोई कन्विंसिंग नहीं है, आप किसी को फोर्स नहीं है, बट मुझे लगी ये बात, मुझे ये बात दिल पे लगी और मैं भी चाहती हूँ आप इस चीज को सोचो। और मुझे पता है हम अनिल गावड़े सर की टीम के जो है कमांडोस, हम इस चीज को समझेंगे और हम इस चीज को करके दिखाएंगे। जो साउथ में हुआ है नंबर वन, मुंबई को नंबर वन बनाएंगे। तो मुझे ये उसने जब कहा कि रोशनी I am new to this business, right? मुझे पता नहीं, बट आपने कॉन्सेप्ट बताया, इट इज वेरी गुड। बट मेरा ये थॉट है कि जब आपके इतने सारा टीम है, इतना एक्टिव लोग है, सो अगर आप लोग मिलके एक दो तीन महीने में भी ये एग्जाम्पल सेट करते हो अमंग योर सेल्फ, क्योंकि आपको पूरा विश्वास है मोदी केयर पे, मोदी केयर के सिस्टम में, आप सब लोग ले लेते हो होम शॉपी और ये एग्जाम्पल सेट करते हो, तो आने वाले हर जॉइनी के लिए आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, बताना भी नहीं पड़ेगा। सो व्हाई डोंट यू ऑल ट्राई दिस फर्स्ट। और मुझे फ्रेंड ये बात लग गई एंड मुझे लगता है कि हमने मिलके इसको दिखा देना चाहिए कि यस इट वर्क्स। अगर हम ये करेंगे तो हमारी टीम में कितने लोगों के चेक इसी महीने में बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर लेंगे। सो आर यू रेडी? आने वाले 15 दिन में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिस्ट्री करते हैं, पूरा हिंदुस्तान घूम के सिर्फ मुंबई की तरफ देखेगी ये क्या हो गया चमत्कार। एंड वी आर गोइंग टू डू इट, करते हैं जो करते कलम सब बुक में डाले। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू रोशनी जी, सुपर से ऊपर। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैंने बोला था, पहले ही बोला था आपको, कहा था कि आपने जो सोचा है उतना आपको नहीं मिलेगा, मगर आपने जो सोचा है उससे भी ज्यादा आपको मिलने वाला है। और मुझे मैं ऐसा लगता है कि मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा मिला है। जो अभी 10 क्वेश्चन दिए, 10 या 11 क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन हमने लिखा और उसका जवाब लिख दिया, तो बाकी क्या रह गया। तो दोस्तों मैडम ने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिया ना, फील फेल्ट एंड फाउंड, मैडम बहुत बढ़िया लिया वो फील फेल्ट एंड फाउंड। ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला वापस एक टाइम, दो टाइम, 10 टाइम आप लोगों से बात कीजिए तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। दोस्तों मैं अभी आपके सामने 3-4 लीडर को, क्योंकि अपने पास अभी 6 मिनट है, मैं बुलाता हूँ शेयरिंग करने के लिए कि ये आज का सेशन उनको कैसा लगा और ये होम शॉपिंग के बारे में उनका क्या राय है और वो होम शॉपिंग कितना करना चाहते हैं। तो पहला मैं बुलाना चाहता हूं, आज मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरे टीम में आज जो हमारे गुजरात के टाइगर हम बोलते हैं उनको, प्रतीक जी,
आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। हम गुजरात में आके हम सूरत में आने वाले हैं, वहां केक काटने के लिए हम लोग आने वाले हैं। फिर अभी तो हम उनके साथ से एक मिनट के शेयरिंग सुनेंगे। प्रतीक जी वेलकम। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर ये पहले जरा बता दिया करो, ये जो मेरा कैमरा है ना, थोड़ा टाइम लेता है ठीक होने में, और मजा आता है। अच्छा है सर, तो जरूर आइए सर, बिल्कुल आपका वेलकम है। जब मैं डायरेक्टर बना था तब भी आपने ही आकर सबसे पहले न्यूज दी थी, बहुत बढ़िया लगा था। उसके बाद अब मैं सीनियर डायरेक्टर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव आज बन गया हूँ, और ये सारा कमाल है ना, ये रोशनी दीदी का ही है। इन्होंने ही ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी, और ये लॉकडाउन में ना पूरा शेक कर दिया। हमारी जो अर्निंग है वो बढ़ती चली जा रही है और काफी अच्छा हो रहा है, और ये दिसंबर तक जरूर हम लाख रुपए तक पहुंचेंगे, लाख रुपए की अर्निंग का है। और ये होम शॉपी ही हमको ये पॉसिबल करवा के देगा, तो ये होम शॉपी का जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा लेट हो गया हमारे लिए। अगर ये हमको जैसे दीदी ने बोला पहले पता होता ना, तो ये जरूर हमारा अभी तक लाख रुपए प्लस हो चुका होता। तो कोई बात नहीं, हम लेट है कोई बात नहीं, लेकिन जो है ये जो 21 डे की कमांडो ट्रेनिंग चल रही है, ये हमको काफी हेल्पफुल रह रहा है, और इसी की वजह से हम जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ेंगे। देर कभी नहीं होती है, जब हम ज्वाइन करें ना, ये प्लेटफॉर्म हमको इतना बढ़िया दे रहा है, यहाँ पर इतने एक्सपीरियंस लोग हमको रोज कोई ना कोई एक बंदा एक्सपर्ट आकर के हमें ये सब सिखा रहा है। आज दीदी ने जो कमाल की ट्रेनिंग ली है और ये जो 600 लोगों वाली बात करी है, तो हम जरूर कर सकते हैं इस चीज को। तो बिल्कुल रेडी हूँ मैं तो इस चीज के लिए, पूरी टीम को लेकर के मैं रेडी होकर के कल आपको जवाब भी दूंगा कि हाँ मेरी टीम से कितने होम शॉपिंग कर रहे हैं। क्या तो एक एग्जांपल अगर हम किसी को दिखाएंगे तो ज्वाइनिंग जो है ना इतने तादाद में बढ़ चुकी होगी, वो हर किसी की अर्निंग बढ़ेगी, और फिर वो एग्जांपल दिखेगा तो हर कोई नीचे वाला जो भी है ना, वो डाउनलाइन भी हर कोई उसके साथ वैसे लोग भी मिलेंगे उसको। तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है होम शॉपिंग, मेरे ख्याल सबको करना चाहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द प्रतीक जी, भूमि मैडम कुछ बात करना चाहते हैं? बुला लेता हूँ, आप उसको बुलाइए जरा। यस यस भूमि जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग को पार्टनर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, हमेशा आपका इतना सपोर्ट रहता है, और रोशनी दीदी का जो एनी टाइम मतलब 24/7 अवेलेबल रहते हैं हमारे लिए, और हम जो भी उनको क्वेश्चन करते हैं सब क्वेरी हमारी सॉल्व हो जाती है, और जो ज्वाइनिंग नहीं भी हो रहा होता है वो मेरा हो जाता है। अगर मैं दीदी से बात करके मतलब अपने प्रोस्पेक्ट से बात करती हूँ तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है मेरे में, और मैं वो ज्वाइन कर लेती हूँ। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मेरे को मिला है, और मैं बहुत खुश हूँ, और अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैं आज मोदी केयर में हूँ। और ये जो होम शॉपिंग का कॉन्सेप्ट है उससे मुझे मतलब दिसंबर तक एनी हाउ 1 लाख पे पहुंचना ही पहुंचना है। जब मेरे माइंड में ये चीज आई कि दीदी मुझे 1 लाख करना है, कैसे होगा, दीदी ने यही बोला होम शॉपिंग पकड़ लो सब हो जाएगा, तो ये करके ही डबल 2 लाख भूमि जी, आप बहुत बढ़िया डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आपका स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है, तो आपका तो ये होना ही होना है। ओके, ऑल द बेस्ट दोस्तों। इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे और एक ग्रेट लीडर हैं, जो लास्ट महीने में डायरेक्टर बने हैं, हमारे मोहन कोटियन सर। मोहन कोटियन सर, एक मिनट में आपकी शेयरिंग बताइए, आज के सेशन कैसा लगा आपको? वेलकम सर, वेलकम। हाय मोहन, धन्यवाद अनिल जी, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आपने दिया हुआ है सबके लिए, और मीटिंग का तो क्या कहना है, ये तो रोज हर दिन एक नया पंडा लेके आ रहा है, नया नया एक क्या बोलते हैं एक्सप्लोर हो रहा है, ये तो कमांडो मीटिंग बोलेगा तो आपने रियली इट्स वर्किंग ऑन, इट्स रॉकिंग।
तो थैंक यू वेरी मच रोशनी जी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया. हर दिन हम लोग को एक एक नया नया सीखने के लिए मिलता है. रियली हैट्स ऑफ टू अनिल जी. ये तो पूरा आपका देन है सर. ये आपका जो आगे आने वाले पीढ़ियां जो है ये आपको झुकेगा. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू मोहन जी. थैंक यू मोहन सर. थैंक यू. इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे थाना के लीडर है जो सपना जी. लीडर्स, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा. रोशनी मैडम बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दिया और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया भी. और जैसे हमें आप म्यूट हो गए मैडम. हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है. यस यस. रोशनी मैडम आपका जो प्रेजेंटेशन आज का था बहुत अच्छा था. एंड ये सारे क्वेश्चन, ये जो भी ऑब्जेक्शन है, ये हमारे इधर बहुत ज्यादा आते हैं. सब लोग बोलते हैं कि तुम ज्यादा अच्छा बोलते हो, इसके लिए तुमको जमेगा वगैरह वगैरह. लेकिन आपने जिस तरीके से समझाया वो बहुत बहुत अच्छा लगा. एंड होप इसका सबका फायदा जो भी है ये हमारे पूरे थाना टीम या अनिल सर की टीम सभी को ये इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा. और हम होम शॉपिंग पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं. थैंक यू. अभी मैं ऐसे एक लीडर लेके आ रहा हूँ सामने जो हमारे विराट से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. विराट के लीडर है और उनका नाम है वैशाली मैडम. वैशाली जी वेलकम. एक मिनट में आपका शेयर कीजिए. वैशाली एरवनकर. ओके, वैशाली एरवनकर नहीं है. चलो ठीक है. तो उसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे महेश घोलप सर को. टाइगर वेलकम सर. महेश घोलप भी नहीं है. उसके बाद अशोक वैशाली है सर. वैशाली. ओके वैशाली मैडम. नहीं वैशाली है. तो कौन सा नाम से है? दो वैशाली सर. वैशाली नाइक और वैशाली. वैशाली वैशाली नाइक नहीं, वैशाली एरवनकर. ओके सर. हेलो. हाँ वैशाली जी वेलकम. हेलो. हाँ हेलो बोलिए. और रोशनी जी आज का वीडियो बहुत अच्छा था. से मुझे ज्यादा पॉइंट अच्छा लगा जो कॉन्टेक्स्ट का. मेरे पास भी, मैं वही एक बोलती हूँ सबको कि मेरे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है. लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट के बारे में जैसे आपने बताया है 10 पॉइंट्स और उसके नीचे जो 8 पॉइंट्स वो मुझे बहुत अच्छे लगे. वैसे तो सब पॉइंट्स अच्छे थे लेकिन सबसे ज्यादा मुझे ये कॉन्टेक्स्ट वाला पॉइंट अच्छा लगा. थैंक यू. ओके वैशाली जी, बस ये महीना जोरदार काम करने हमें. हाँ ठीक है. वेरी गुड वेरी गुड. दूसरे इसके बाद मैं हमारे अशोक सर को मैं बुलाना चाहता हूँ. अशोक सर. थैंक यू सर. सबसे पहले रोशनी जी आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में किसी को ऑब्जेक्शन का सामना करना नहीं पड़ेगा. इतना अच्छा तरीके से आपने समझा दिया. और ऑब्जेक्शन का अगर बात करते हैं तो ऑब्जेक्शन क्या है? एक चैलेंज है. सिंपल चैलेंज क्या है? एक सक्सेस का सीढ़ी है. जो भी इसे चैलेंज को सक्सेस का सीढ़ी बना के या बनाने के निर्णय लिया है वही मोदी केयर का सिकंदर बनेगा. सिंपल है. क्या दोस्तों, ऑब्जेक्शन में आपका सफलता छुपी है. इसे पहचानिए और आगे चल पड़िए. सफलता आपका पीछे पड़ेगा. ये मेरा खुद का अनुभव है. मोदी केयर को 2 साल हंसते हंसते करिए, उसका आगे पूरा जिंदगी हंसते ही रहेंगे. रोशनी मैडम ने 50 लोगों की बात किया है. दोस्तों 50 नहीं 25 लोगों को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में. ये वे भी मेरा अनुभव है. धन्यवाद सभी को. मेरा शुभकामनाएं. धन्यवाद सर. थैंक यू. हमारे पुणे के एक नेहा मैडम जी को कुछ पूछना है. नेहा जी एक मिनट में आप बोलिए कुछ. क्या बोलना है आपको नेहा मैडम?
यस नेहा जी वेलकम। हेलो। हाँ नेहा जी वेलकम। हाँ थैंक यू सर। रोशनी मैडम इट वॉज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। काफी सारी हमारी क्वेरीज आपने क्लियर कर दी है। सिर्फ मुझे एक ही क्वेरी है कि मैंने काफी अभी फ्रेंड से बात की तो उन्होंने बोला है कि नहीं अभी तो लॉकडाउन है इसके लिए हमने स्टॉक लेके रखा है, तो जब भी वो खत्म हो जाएगा देन आई विल गेट बैक टू यू। सो स्टॉक रखा है देखो किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, बट दिस इज अ टाइम टू क्रिएट बॉन्डिंग विद देम। स्टॉक एक महीना दो महीना में खत्म तो डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर आप उनसे अच्छा रिलेशनशिप बनाओगे और आप रेगुलर अपनी चीजों को शेयर करोगे, उनको बोलो कोई बात नहीं मैं ना आपको कुछ नॉलेज शेयर करती रहूंगी, यू कीप गोइंग थ्रू इट राइट, दैट इज फाइन आपका जब भी होगा। सो आपके लिए इजी होगा चूज करने के लिए कि कौन सी चीज आप ले सकते हो राइट, यू विल गेट एजुकेटेड फाइन दैट इज फाइन ठीक है। तो वो डेफिनेटली खत्म होने के बाद आप जब भेजते रहोगे ना खत्म होने से पहले ही आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, बिफोर आफ्टर के पोस्टर्स बनाइए या कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन रहता है ना वो शेयर करिए, इससे सामने वाले को फायदा हो, दे विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। यस यस थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैडम। ओके या थैंक यू। और अभी हम लास्ट में हमारे ग्रेट लीडर महेश जी नहीं है अभी तो हम हरी सर को बुलाते हैं। हरी सर गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। सुपर डुपर सेशन में रोशन मैडम क्या जब कुछ वर्ड नहीं है, इतना बढ़िया तरीका आपने बता दिया। सबका ये प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट हैंडलिंग हर एक का रहता है, जो नेटवर्किंग है उसका तो आना ही आना है, वैसे नहीं रहे तो नेटवर्क कर ही नहीं सकते। और दूसरे एक बात जो आपको इतना नॉलेज है कि आपको 11 महीने लगा लेकिन इसमें नेटवर्किंग है कॉपी टू कॉपी, ये जो सेशन आपको कॉल करके आपको अभी 5 महीने में मतलब हर कोई 5 महीने वो मिलियनर बन गया, क्योंकि आपको 11 महीना उसका आधा कॉपी करके ये बनने वाले। सुपर डुपर थैंक यू, वैसे नॉलेज दूसरे को। और सैल्यूट अनिल सर, ऐसा एक 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 ये कर रहे हो आप, डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, ऐसे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो शुरुआत है सर, बहुत बड़ा काम करेंगे हम लोग, नंबर वन होना है हमें, जैसा कर्नाटक नंबर है वैसा मुंबई नंबर वन हो जाएगा। यस यस ओके थैंक यू दोस्तों। वही जो सचिन सर भी बोले मतलब जो 260 लोग हैं सब लोग ये होम शॉपिंग करेगा, अभी आज रोशनी मैडम भी बोल रहे बहुत ये हो जाएगा कुछ, सब लोग मतलब मुंबई की तरफ ध्यान देने के अभी सवाल ही नहीं, वैसे हम लोग करेंगे करेंगे। यस यस पक्का पक्का। तो दोस्तों हमारा आज का प्रोग्राम तो हम लोग एंड करने जा रहे हैं, मगर कल के लिए हम हमारे 3 प्रोग्राम है। कल सुबह 11:15 हमारे मुंबई का लाइफस्टाइल सेंटर ओपन हो रहा है, तो बहुत और बहुत खुशी की बात है, फर्स्ट लाइफस्टाइल सेंटर मुंबई का। और हम लोग कोरोना की वजह से हम लोग एक साथ वहां नहीं मिल सकते हैं, वही हो रहा है सर, वही हो रहा है, तो हम वहां तो हम नहीं जा सकते हैं, मगर ये प्रोग्राम जो है ये प्रोग्राम का लिंक आपको भेजा जाएगा 11:15, वो लिंक पे हम लोग कल 1 घंटे का सेशन सुनेंगे। तो हमारे जो समीर मोरी साहब है वहां लाइव आने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद जो है हमारा 5 बजे प्रोग्राम रहेगा, वो संजय बगरा टीम, यस हमारा ग्रेट लीडर, वाओ हाँ, तो हम 1000 लोगों के सामने कल प्रोग्राम हो जाएगा, और वो प्रोग्राम का नाम है न्यू वे ऑफ शॉपिंग टू अर्न पैसिव इनकम। ये लीडर दीवान के ऊपर वहां हो रहा है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कल वो प्रोग्राम हो जाएगा, तो आप भारी संख्या से आना है, हम महाराष्ट्र से 500 लोग वहां लेके जाएंगे। रियली ग्रेट ग्रेट सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और शाम को रात को 8:50 के ऊपर हमारा 14th सेशन हो जाएगा, और वो है हाउ टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर बाय महेश गोलप सर। दोस्तों ये तीनों प्रोग्राम कल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, तो आप भारी संख्या से आपको गेस्ट को भी लेके आ सकते हैं। दोस्तों आज मैं हमारे ग्रेट लीडर रोशनी मैडम जिन्होंने आज इतना बढ़िया सेशन लिया, सुपर से ऊपर सेशन लिया, मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा सेशन लिया, तो उनको मैं धन्यवाद कहते हुए आज का सेशन हम यहाँ ही समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं 11:15।
ऑल द बेस्ट थैंक यू मोहन सर ओके बाय सारिका जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू